दोस्तों, आखिर यहूदी फिलिस्तीन में कब और कैसे आए? तो ये बात है साल 1922 की, जब हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया, जिनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। ऐसे में यहूदियों ने वहां से जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। 1922 से 1926 के बीच तकरीबन 75,000 यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस जहाज में यहूदी भरे पड़े हैं, और इस बैनर पर भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जर्मन्स डिस्ट्रॉय आवर फैमिलीज, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स। कि जर्मन ने तो हमारी फैमिली तबाह कर दी, लेकिन ए फिलिस्तीनियों, तुम हमारी उम्मीद ना तोड़ना। तब फिलिस्तीनियों ने इन नंगे भूखों पर रहम खाकर जमीन का एक छोटा टुकड़ा दे दिया था, लेकिन ये कमबख्त एहसानमंद होने के बजाय एहसान फरामोश बन गए, और आज यही लोग पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके बैठा है, और तब से लेकर आज तक फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते आ रहे हैं।